सो so, अगर आपके पास शॉर्ट नोट आता है एंगल ऑफ लुइस पे या एक्सटर्नल एंगल पे वी विल डिस्कस कि उसमें क्या क्या लिखना है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए देखिए यहां पे व्हेन यू विल सी दिस डायग्राम इस स्टर्नम में आप यहां पे जंक्शन देख रहे हैं नाउ ये जो जंक्शन है दिस जंक्शन इज एक्चुअली मैन्युब्रियो स्टर्नल जंक्शन जब हम स्टर्नम को देखते हैं तो स्टर्नम के हम तीन पार्ट पढ़ते हैं मैन्यूब्रियम बॉडी एंड जिफाइल प्रोसेस ठीक है तो ये जो हमारा जंक्शन है ये जंक्शन ही एक्सटर्नल एंगल कहलाता है और इसका ही नाम है एंगल ऑफ लुइस और इसी का नाम क्या है मैनिब्रियो एक्सटर्नल जंक्शन ये जो जंक्शन है ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है तो सबसे पहली चीज जो आपको वायवा में पूछी जाती है कि वॉट इज दिस जंक्शन

से लेके सुपरस्टर्नल नॉन्च मतलब ये वाला एरिया जिसको हम जुगुलर नॉच या सुपरस्टर्नल कहते हैं जो दोनों क्लेविकल के बीच में हमें मिड लाइन में फील होता है हमें यहां से फिंगर को नीचे लेके जाना है एंड यू आर एबल टू फील एलिवेशन ऑन द फ्रंट ऑफ योर चेस्ट वॉल इन मिड लाइन ये जो एलिवेशन है ये एलिवेशन ही हमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो याद रखना है तो आपको सरफेस मार्किंग में भी ये लैंडमार्क पूछा जाता है सो so, यहां पे साइड में जो रिब होगी वो रिब कौन सा होता है ठीक है सो एक्सटर्नल एंगल की लोकेशन हमें पता हो गई एक्सटर्नल एंगल किससे बनता है ये हमें पता हुआ और एंगल टाइप का जॉइंट है, दिस द बेसिक नॉलेज अबाउट दिस एक्सटर्नल एंगल नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट द एक्सटर्नल एंगल कि हम एक्सटर्नल एंगल को इतना इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं उसके लिए आपको ये कुछ आठ दस पॉइंट हैं जो हमेशा आपको याद रखने हैं, बिकॉज जब भी शॉर्ट नोट आता है या वायवा होता है आपसे यही पूछा जाता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एंगल सो पहली इंपॉर्टेंस जो अभी अभी मैंने आपको बताई कि वी आर यूजिंग दिस एज ए लैंडमार्क फॉर काउंटिंग ऑफ रिब्स और रिब्स की काउंटिंग कैसे करनी है कि यहां पर कौन से नंबर का कॉस्टल कार्टिलेज है हमारे पास सेकेंड नंबर का ठीक है और हम जब काउंटिंग करेंगे वेन वील डू द काउंटिंग हम यहां से नंबर से शुरू करेंगे और इस में लास्ट कार्टिलेज है? है? ठीक तो तक तो तक पे हैं और ये के साथ जुड़ जाते हैं। so हम जब भी काउंटिंग करेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंस दैट इज द काउंटिंग सेकंड क्या है कि इस एक्सटर्नल एंगल के लेवल पे अगर आप वर्टिब्रल लेवल की बात करो तो हमारे पास इंटर वर्टीब्रल डिस्क मिलती है फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा यानी क्या हुआ कि अगर आप पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम देखते हैं ना दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम द थोरेसिक वर्टिब्रा ठीक है इसके आगे मैं यहां पे अगर स्टर्नम को रख दू पैरल में तो ये जो जंक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं दिस जंक्शन विच इज नोन एंगल ऑफ लुइस ये कौन से वर्टिब्रल लेवल कोरस्पॉन्ड कर रहा है तो ये वाला जो जंक्शन है ये क्या है दिस इज दिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा का जंक्शन दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ टी फोर एंड टी फाइव ठीक है उसके बाद क्या है कि ये एक प्लेन डिसाइड करता है जहां पे हम सुपीरियर एंड इंफीरियर को सेपरेट करते हैं क्या होता है? है. होता है ठीक है 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 सॉफ्ट टिश्यू स्पेस ठीक और दोनों लंग्स के बीच में चेस्ट कैविटी में हमें एक सॉफ्ट टिश्यू का स्पेस मिलता है दैट गैप इज नोन एज मीडिया स्टीनम उस गैप को हम डिवाइड करते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडिया स्टीनम में बाय इमेजनरी प्लेन एंड दैट प्लेन इज पासिंग एंटीरियरली फ्रॉम द एक्सटर्नल एंगल एंड पोस्टीरियरली थ्रू द टी फोर टी फाइव डिस्क तो अगर मैं यहां पे एक लाइन खींचू तो ये जो स्पेस ऊपर क्रिएट हुआ ये क्या कहलाया सुपीरियर मीडिया स्टीनम और जो स्पेस नीचे क्रिएट हुआ ये नीचे वाला स्पेस क्या कहलाया इंफीरियर मीडिया स्टीनम क्लियर तो ये एक बेसिक है जो आपको यहां पता होना चाहिए कि जब भी हम मीडिया स्टीनम को डिवाइड कर रहे हैं हमारे लिए सुपीरियर इंफीरियर मीडियास्टिनम के बीच में जो एक प्लेन है वो प्लेन किससे पास होता है इंटीरियरली एक्सटर्नल एंगल से ठीक है नेक्स्ट आता है कि here, है कि असेंडिंग ठीक मतलब क्या हुआ कि जो असेंडिंग है ठीक है जब भी आप हार्ट देखते हैं तो हार्ट से हमारे पास एक बहुत बड़ा वेसल निकलता है एंड दैट इज नोन एज असेंडिंग ऑरटा ठीक है तो ये जो आपका हार्ट है इस हार्ट से जब हम ब्लड वेसल्स देखते हैं ग्रेट वेसल्स तो ये जो ग्रेट वेसल्स निकली इसका असेंडिंग आउटा एक लेवल के बाद कहलाया आर्च ऑफ आउट आर्च ऑफ आउट एक लेवल कहलाया डिसेंडिंग आउटा ठीक है तो यहां पे आप देखिए कि असेंडिंग आउटा एंड हो रहा है एंड हो रहा है मतलब इसका अपर पॉइंट यानी ये जंक्शन किस लेवल पे है एक्सटर्नल एंगल पे आर्च ऑफ आउर इसी लेवल पे स्टार्ट हुआ और इसी लेवल पे एंड हो गया इस लेवल पे यहां पे ये आर्च ऑफ आउर स्टार्ट हुआ और घूम के इसी लेवल पे एंड हो गया सो आर्च ऑफ आवरटा बिगन एंड एंड एट द सेम लेवल और ये जो डिसेंडिंग आउटा ये इस पॉइंट से चालू होगा ठीक है तो डिसेंडिंग आउटा बिगन क्लियर सो तीनों जो चीज है ये ये तीनों आपस में जुड़ी हुई है ये एक ही ट्यूब है जिसको आपने फोल्ड किया है इस तरह से तो इसका जो इनिशियल पोर्शन है वो वो असेंडिंग उसका जो फॉर्म है आर्च और उसका वा, वापस जो डिसेंडिंग पार्ट है वो कहलाया डिसेंडिंग आउट तो उस ट्यूब का जो इनिशियल पोर्शन है वो किस प्लेन पे जाके टर्न मारेगा आंसर इज एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल देन यू हैव द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया वट डज इट मीन कि जो हमारा विंड पाइप है जो ट्रे क्या है वो डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस में और ये जो डिवीजन है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में ये डिवीजन भी किस प्लेन पे होता है अगेन एक्सटर्नल एंगल देन यूल विच आर्च इज एंटीरियरली वी हैव द सुपीरियर लेवल ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक इट डिवाइड इन टू द टू ब्रांचेज एंड लास्टली क्रॉसिंग ऑफ द थोरेसिक डो ऑल दिस थिंग बाई वन इन द डायग्राम नाउ देर इज ए वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट की जब भी हम डर की बात करते हैं तो एक्सटर्नल एंगल के ऊपर जो डरटोम वो है सी टू सी थ्री दैट इज एक्चुअली द एरिया सप्लाइड बाई द सर्वाइकल नाउ उसके बाद क्या होता है उसके बाद ब्रेकेल प्लेक्सिस बनता है यानी सी टू थ्री सी थ्री यहां सप्लाई कर रहा है सी फोर सी फाइव सी सिक्स सी सेवन सी एट एंड टी वन उसके बाद फिर टी टू हमें यहाँ देखने को मिलता है ठीक है, यानी एक्सटर्नल एंगल इज ए जंक्शन बिटवीन द सर्वाइकल एंड थोरेसिक डर्मेटोम, ठीक है तो यहां डर्मेटोम कौन कौन से मिल रहे हैं आपस में कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस चला गया हमारा सी फाइव से लेकर के और टी वन तक उसके पहले और उसके बाद के जो डर्मेटोम्स हैं वो हमें एक्सटर्नल एंगल वाले पॉइंट पे नजर आते हैं इसलिए जब भी आप एंटीरियर चेस्ट वॉल पढ़ते हैं और उसके अंदर डर्मेटोम्स पढ़ रहे हैं तो यू विल रियलाइज के साथ अपर लिम में चले जाते हैं तो दिस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंगल इज अगेन यूजिंग एज ए डर्मेटोम जहां पे आप सर्वाइकल और थोरेसिक का मीटिंग पॉइंट देखते हैं ठीक है सो so वन सो so, यहां पे ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में अगेन यू यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल एंगल ठीक है ये सुप्रा स्कैपुलर नॉच और जुगुलर नॉच है आपका यहां से आप नीचे आए आपने एक्सटर्नल एंगल फील किया साइड में ये कौन सा रिब होगा सेकेंड रिब होगा नाउ यू कैन काउंट द इंटरकोस्टल स्पेसेस एज वेल एज द रिब्स तो ये हो गया सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एथ नाइन्थ टेंथ इलेवंथ एंड ट्वेल्थ सो यू विल रीच लाइक दिस और जो सेकंड रिब है उसके ऊपर जो स्पेस है वो फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस है उसके नीचे है जो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है सो यू कैन काउंट द इंटरकॉस्टल स्पेसिस ऑल्सो एंड दिस इज वेरी कॉमनली आज क्वेश्चन इन योर वाइवा कि हाउ टू काउंट द रिब्स ठीक है पर्टिकुलरली वेन यू विल गो इन द फिजियोलॉजी वेन यू आर हैविंग द एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सिस्टम एट द टाइम यू शुड नो हाउ टू पालपेट एंड हाउ टू काउंट द इंटरकोस्टल स्पेसिस देन

आपका जो ब्लू कलर है दिस इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज योर ट्रेकिया नाउ ये जो ट्रेकिया है ये हो जाता है एंड यू आर एबल टू सी द टू ब्रोंकस ठीक है अगर मैं यहां बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा सो यू कैन सी दैट दिस इज द लेवल वेयर योर बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया विल टेक प्लेस नाउ इन दिस डायग्राम यू आर एबल टू एप्रिशिएट द मीडियम सो so, ये जो मीडिया स्टीनम वाला एरिया है ये मीडिया स्टीनम वाला एरिया पीछे किससे लाइन है थोड़े से वर्टिब्राज से एंटीरियरली किससे लाइन है विद द स्टर्नम ठीक है अगर हम सुपीरियर और इंफीरियर मीडिया स्टीनम डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें पहले दो लैंडमार्क देखने हैं फर्स्ट इज द एक्सटर्नल एंगल एंटीरियरली एंड T4 T5 के बीच की जो इंटरवर्टिबरल डिस्क है वो पोस्टीरियरली है अब हम यहां पे एक हॉरिजेंटल प्लेन बनाएंगे ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है ये हॉरिजेंटल प्लेन डिवाइड कर रहा है सुपीरियर एंड को ठीक है सो दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल एंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टीशन ऑफ मीडियास्टीनम वी आर यूजिंग ए प्लेन एंड दैट प्लेन इज पासिंग एंटीरियरली फ्रॉम द एक्सटर्नल एंगल ठीक है सो so, यहां पर यू कैन सी दैट दिस मीडियस्टीनम इज कंटेनिंग द हार्ट ठीक है सो so, हार्ट जो है वो इंफीरियर मीडिया स्टीनम में होता है यानी हार्ट का जो अपर लिमिट है वो क्या है हार्ट का अपर लिमिट है द प्लेन विच इज पासिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एंगल एंटीरियरली एंड टी फोर टी फाइव वर्टिब्रा पोस्टीरियरली ठीक है इनडायरेक्टली ये हुआ कि जो टी फोर है उसका जो लोअर बॉर्डर है वो हार्ट के अपर बॉर्डर को कोइंसाइड कर रहा है ठीक है, वन इंपॉर्टेंट थिंग सेकेंड थिंग खत्म हो रहा है और आर्च ऑफ आवटा यहां से स्टार्ट होके यहां पीछे की तरफ इसी पॉइंट पे आके खत्म हो गया तो ये वाला पार्ट क्या है असेंडिंग आवटा ये वाला पोर्शन क्या है आर्च ऑफ आरटा और इस लेवल से ये क्या स्टार्ट हो गया डिसेंडिंग आउटा तो हमने जो तीन वर्ड पढ़े थे आर्च ऑफ आउट स्टार्ट होता है और इस लेवल पे आके खत्म हो जाता है एंड डिसेंडिंग आउटा यहां से बिगिन होता है सो बिगनिंग ऑफ डिसेंडिंग आउटा एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर्च एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द आर्च सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट दिस इज योअर पल्मोनरी ट्रंक and this pulmonary trunk is having the upper border which is again present at this level along with that what you can see is that this is the trachea which is dividing into the two part again at this level clear so this is the diagram showing the division of the trachea and the relation of pulmonary trunk then <coughs> in this diagram again you can see that this is the plane and this plane is showing the uh, division between the superior and inferior mediastinum which is passing anteriorly from the sternal angle and posteriorly between the T4 and T5 thoracic vertebra clear now this diagram is showing that if you will see particularly the heart this upper border or you can say the plane which is dividing the superior and inferior mediastinum that is between the T4 and T5 vertebral level is demarcating the upper uh, लिमिट ऑफ योर हार्ट क्लियर नाउ इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि हमने राइट right साइड से लंग कैविटी को खोल दिया है नाउ वेन यू हैव ओपन दिस कैविटी फ्रॉम द राइट साइड आफ्टर कटिंग दिस रिब्स, यू कैन सी दैट ये जो आपका पॉइंट है यहां पे डिवीजन हो रहा है किसका डिवीजन हो रहा है ट्रेकिया का सो so ये अगर आप प्लेन बनाओगे तो ये प्लेन एंटीरियरली कहां से पास होगा इस एंगल से पास होगा ठीक है सो दिस डायग्राम इज शोइंग एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल नाउ डायग्राम इज शोइंग है व्हाट इज अजाइस वेन अजाइगस वेन एक अनपेयर्ड वेन है

क्लियर और ये किसमें ओपन हो गई इस बड़ी वेन में और ये बड़ी वाली वेन क्या है सुपीरियर वेना केवा तो अजाइगस वेन अल्टीमेटली किसमें ओपन हो जाती है सुपीरियर वेना केवा में और अजाइगस वेन कहा होती है पोस्टीरियर मीडिया में और अजाइगस वेन अल्टीमेटली जब ओपन होती है तो कैसे ओपन होती है ये आर्च बनाती है ये आर्च किसके ऊपर बना रही है ये क्या चीज है दिस इज द रूट दीज आर द रूट्स ऑफ द राइट लंग ये आप क्या देख रहे हो राइट right लंग देख रहे हो तो ये जो आर्च बना ये जो लूपिंग स्टार्ट हुई ये लूपिंग किस लेवल पे होती है अगेन द आंसर इज एंगल इसीलिए बोला जाता है कि एंगल के लेवल पे अजाइग वेन एंटीरियरली और यू कैन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर्व कर जाती है ठीक है बिकॉज ऐसा भी हो सकता था कि अजाइगस वेन आगे जाती ऐसे यहां कहीं से कर्व करती या नीचे से कर्व कर जाती सो so, बर दिस लेवल स्वेन किस लेवल पे जाके आगे की तरफ टर्न मारती है तो अगेन द आंसर इज दैट ये जो टर्निंग है एक्सटर्नल एंगल के लेवल पे एंड ये जो रूट है ये किसका रूट है राइट right लंग्स का रूट है राइट right लंग का रूट है क्लियर नाउ दिस डायग्राम इज शोइंग दॉरेसिक डरेसिक ड है इट इज अ पार्ट ऑफ लिंफेटिक सिस्टम एंड थोरेसिक डक्ट

ये जो टर्न हो रहा है ये टर्न किस लेवल पे हो रहा है अगेन आंसर इज एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल सो इन नट शेल वेन एवर यू आर रीडिंग द एक्सटर्नल एंगल यू हैव टू रिमेंबर वॉट इज द एक्सटर्नल एंगल वॉट टाइप ऑफ जॉइंट इज द एक्सटर्नल एंगल वेयर विल यू फाइंड द एक्सटर्नल एंगल एंड वॉट आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट द एक्सटर्नल एंगल ठीक है तो अभी मैंने आपको जो दस बारह चेंजेस बताए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें क्लिनिकली पूछा जाता है दैट इज काउंटिंग ऑफ द रिब्स ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल एंगल एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू